नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। जब हम 2022 की विधानसभा का चुनाव प्रचार कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ थे। हम गली गली पंजाब के कस्बे, पंजाब के गांव में जा रहे थे। तब कई मुलाजम जथेबंदियां हमें मिलती थी। उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू की जाए, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम जो है उससे उनके सर पर तलवार लटकती है कि पेंशन कितनी मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो सरकार जो है कहीं प्राइवेट सेक्टर में उसको इन्वेस्ट कर देती थी। तो आज दिवाली का एक तोहफा पंजाब के मुलाजमों को दिया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से, लोगों द्वारा चुनी हुई उनकी अपनी सरकार की तरफ से, कि हम पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर रहे हैं ताकि मुलाजमों को फ़ायदा मिले और वो निश्चिंत होकर जो है अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। इस बात के लिए मैं सभी मुलाजम जथेबंदियों का भी आभारी हूँ कि उन्होंने बड़ा सब्र से इंतज़ार किया, हमें समझाया कि ये स्कीम अगर आती है तो ये फ़ायदा है, ये स्कीम में जाते हैं तो ये नुकसान है। तो हमने वो सारा रिव्यू करके फैसला लिया है कि पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दी गई है। दूसरा, पंजाब के मुलाजमों को 6% डीए जो है, जो सम्मान भत्ता होता है, जो डीए है वो 6% जारी कर दिया गया। आज कैबिनेट में यही फैसला हो गया। तो मुलाजमों को दो दो दिवाली के तोहफे हो गए। और मैं फिर बताना चाहता हूँ कि पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम सिद्धांतिक तौर पर कैबिनेट में आज पास हो गई और मुलाजमों को 6% डीए का भी जो बढ़ावा उनको मिलना चाहिए था वो कैबिनेट में पास हो गया, मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब के जितने भी मुलाजम जिस डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, जिस ओहदे पर भी काम करते हैं, वो पंजाब की तरक्की के लिए ईमानदारी से, दयानतदारी से, सच्चे दिल से काम करेंगे ताकि पंजाब को हम दोबारा रंगला पंजाब बना सकें। नमस्कार।